दोस्तों आज हम नरेशन में कुछ ऐसे रूल सीखने का काम करेंगे जो आपके एसएससी में एनडीए में और टीचिंग के जो हाई लेवल के एग्जाम है उनमें आते हैं। ठीक है, तो देखो पहला मैंने सेंटेंस लिखा है, मैंने ऊपर हेडिंग लिखी है परमिशन, मतलब परमिशन की सेंस में कुड का यूज करना। कैन तो कुड में आ जाता है लेकिन कुड को कैसे यूज करेंगे वो देखो। ये एग्जाम्पल है डायरेक्ट स्पीच का। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच मैंने पहले वाली वीडियो में बता रखा है क्या होता है। तो इनवर्टेड कोमा के अंदर लिखा होता है वो रिपोर्टेड स्पीच, इनवर्टेड कोमा के बाहर लिखा होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब। तो सी सेड टू मी व्हेन आई वाज ए स्टूडेंट आई कुड नॉट गो आउट अलोन। उसने कहा कि मैं जब मैं स्टूडेंट हुआ करती थी तो मेरे को बाहर अकेले जाने की परमिशन नहीं थी। तो कुड नॉट गो आउट अलोन, बाहर नहीं जा सकती थी, इसका मतलब परमिशन नहीं थी। तो सी टोल्ड मी, सेड टू का टोल्ड मी में बदल जाएगा। सी टोल्ड मी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट क्यों आ जाएगा भाई। यहाँ पे ये जो व्हेन आई वाज ए स्टूडेंट आई कुड नॉट गो, ये अपना सिंपल मतलब सिंपली व्हेन यहाँ पे कंजंक्शन काम नहीं कर रहा है, कंजंक्शन काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्लाज है, क्लाज के रूप में व्हेन है, ये एक रिलेटिव का काम कर रहा है, रिलेशन का काम कर रहा है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे दैट। ठीक है, व्हेन यहाँ पे डब्ल्यू एच क्वेश्चन नहीं है इसलिए हम यहाँ पे दैट लगाएंगे, ये कंजंक्शन काम कर रहा है, रिलेशन का काम कर रहा है। When she was a student, तो ये when she was a student आ जाएगा। जब दो क्लास एक साथ आती हैं तो नॉर्मली वो नहीं बदली जाती, लेकिन यहाँ पे क्या है when I की जगह क्या आ जाएगा, I she के हिसाब से बदलेगा, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है। तो यहाँ पे I की जगह she हो जाएगा, she हो गया, was a student, was का हेड भी नहीं बदलेगा, लेकिन यहाँ पे I could not go out alone की जगह she was not allowed to go आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुड नॉट को किस में बदलेंगे, वॉज नॉट अलाउड टू में बदलेंगे, ये इसमें चेंज हो जाएगा। ठीक है, कुड नॉट गो आउट, वॉज नॉट अलाउड टू गो आउट, ये हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा इसमें। आगे देखो मैं मस्ट का बताता हूँ, मस्ट का कैसे हम चेंज करेंगे। आगे हम मस्ट का यूज देखेंगे। देखो ड्यूटी और लॉ ऑफ नेचर डू नॉट चेंज। अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच में मस्ट आ रहा है और उसमें ड्यूटी और लॉ ऑफ नेचर है तो उसमें हमारा चेंज नहीं होगा। देखो सी सेड वी मस्ट ऑल डाई, उसने कहा कि हमें सबको मरना ही है, तो यहाँ पे मस्ट का मस्ट रह जाएगा। सी सेड दैट वी मस्ट ऑल डाई, सिर्फ दैट लग जाएगा कंजंक्शन। ठीक है, अगला है सी सेड आई मस्ट गो एट वंस। अब यहाँ चेंज होगा, यहाँ तक तो ये चेंज नहीं होगा, ये दूसरा रूल है, इन कंटेक्स्ट में आपका चेंज होगा। सी सेड आई मस्ट गो एट वंस, अब उसने कहा कि मुझे तुरंत जाना है, या मतलब मुझे तुरंत चले जाना चाहिए, बहुत नीड है, जरूरी है। तो सी सेड दैट सी हैड टू गो एट वंस, तो यहाँ पे मस्ट किस में बदलेगा, हैड टू, मतलब पास्ट की मजबूरी, पास्ट में कोई ऐसी मजबूरी आ गई उसको जाना पड़ा, तो मस्ट हैड टू में आ जाएगा। ठीक है, आई का सी में बदलेगा, ये मैंने बताया था, फर्स्ट पर्सन है, ये सब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है। अगला है सी सेड आई मस्ट गेट अप अर्ली टुमारो, ये मस्ट है, ये पास्ट, इधर पास्ट था सेड तो मस्ट का हेड टू हो गया, तो यहाँ पे सेड है तो सी सेड दैट इस सेड में यहाँ पर मस्ट का पास्ट परफेक्ट में नहीं जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा, टुमारो दे रखा है तो फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा, फ्यूचर का परफेक्ट हो जाएगा। तो फ्यूचर का परफेक्ट में क्या करेंगे, सी सेड दैट सी वुड हैव टू गेट अप, यहाँ पे मस्ट किस में आएगा, वुड हैव टू, किस में बदला जाएगा, वुड हैव टू में बदला जाएगा, मुझे खड़ा होना पड़ा, क्यों, यहाँ पे टुमारो दे रखा है, टुमारो फ्यूचर में जाता है तो फ्यूचर में टुमारो का था नेक्स्ट डे कर दिया। ठीक है, तो फ्यूचर का रखने के लिए हमें वुड हैव टू करना पड़ेगा, अगर ये टुमारो नहीं होता ना तो यहाँ पे हम मस्ट का हैव टू करते। होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगला है लेखा सेड मानसी यू मस्ट बी साइलेंट, लेखा ने कहा मानसी चुप हो जाओ, आपको चुप, यू मस्ट बी साइलेंट, तुम्हें चुप होना ही पड़ेगा, ऑर्डर है, ऑर्डर दे रही ना, तो लेखा ऑर्डर्ड मानसी। अब यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में जो जिसको हम पुकारते हैं उसको हम इसमें इंक्लूड कर लेते हैं रिपोर्टिंग वर्ब में, जब हम इसको चेंज करते हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो जाएगा, लेखा ऑर्डर्ड मानसी टू बी साइलेंट, यू मस्ट बी क्या हो जाएगा, यू मस्ट क्या हो जाएगा, टू बी साइलेंट, मानसी और यू एक ही तो बात है, तो ऐसे हम चेंज करेंगे। बाकी अगली वीडियो में सीखेंगे हम बहुत सारे रूल, जोरदार इंग्लिश चैनल इसको स्प्रेड करेंगे। थैंक यू।